दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एचएस के होम डेकोर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीलन के बारे में। सीलन के कितने प्रकार की सीलन होती है, कितने इसके कारण होते हैं आने के, और कितने इसके समाधान होते हैं, और कितना इसका खर्चा आता है, तो इन सभी पॉइंटों पे हम डिटेल वाइज बात करेंगे, फुल डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सीलन कितने प्रकार की होती है, दोस्तों सीलन मेनली दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी जो ग्राउंड मॉइस्चर जमीनी नमी के कारण आती है, एक होती है हमारी कोई लीकेज फॉल्ट की वजह से आ जाती है। तो इनमें हमको हमने तीन कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया है कि एक बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती है, बहुत कम आ जाती है, और एक बीच वाली सीलन मीडियम सीलन आ जाती है। तो हम इन कैटेगरी वाइज हम इसको अलग अलग से इनके समाधान उनका खर्चा निकालेंगे कि आपकी बहुत ज़्यादा सीलन है तो उसका क्या क्या समाधान है, और उसके जो बहुत कम सीलन है उसका क्या क्या समाधान है, उसका कितना अलग अलग कितना कितना खर्चा आएगा, ताकि इसमें आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप इसको अच्छे से आप खुद का भी एस्टिमेट लगा सकते हैं अपनी दीवार का, अपने घर का, कि मैं अपने समाधान आपके बजट में है या नहीं, आपके लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन है। आप ये वीडियो देखने के बाद आपकी कोई संघ का कोई डाउट नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आपकी पूरी जानकारी इसके बारे में मिलने वाली है, और पूरे ऑप्शन जितने भी हैं वो सब के सब मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम कर लेते हैं कोई लीकेज फॉल्ट है दोस्तों, वो आपका फुली रिपेयरेबल होता है। आप उसके लीकेज को फाइंड कीजिए, किसी प्लम्बर को बुलाइए, वो उसको फॉल्ट को निकाल लेगा, उसको ठीक करेगा, उसके बाद आप उस पर वॉल पुट्टी कीजिए और उस पर आप पेंट करवाइए, जो मर्जी आप उस पर करवा सकते हैं, उसका कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारी एक पाइप लीकेज हुई थी, तो हमने उस पाइप को जो फाइल का उसको रिपेयरिंग किया, और उसके बाद हमने उसको दोबारा से जो ये हमारी ख़राब हो गई थी वॉल उसको उतार के वॉल पुट्टी की, और उस पर हमने सेम वॉल पे हमने वॉल पेपर लगाया जो अभी भी एक साल से चला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि ये हमारी जो लीकेज फॉल्ट थी इसकी वजह से। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों सीलन जो दूसरे प्रकार की होती है, जो मेन सीलन होती है जो बहुत ज़्यादा भी देखने को मिलती है, वो होती है नमी, ज़मीनी नमी वाली, तो उसके जो कारण होते हैं उसके जो कैटेगरी है तीन, उसके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा, मीडियम और बहुत कम, इन तीनों में कैटेगरी वाइज इसके क्या क्या समाधान है। तो दोस्तों अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीलन है तो उसके समाधान जो परमानेंट समाधान है, जैसे हम बात कर लेते हैं अगर आप पेंट वाला, तो उसका पेंट उस पर किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है, कोई इसका सीधा समाधान नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से इसके समाधान है जिसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहला जो हम ऑप्शन सबसे ज़्यादा सुनते हैं जिसके बारे में, वो होता है कि जो हमारे पेंट वाले के पास अगर हम जाते हैं, तो बहुत से हमें को केमिकल, जितनी भी कंपनी होती है सभी अपने अपने केमिकल को प्रमोट करते हैं और दावा करते हैं कि इससे आपकी सीलन का समाधान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको भी ये बात बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी केमिकल को, किसी भी पेंट वाली किसी भी कंपनी का केमिकल को अगर बहुत ज़्यादा सीलन वाली दीवार पे लगाते हैं, तो वो आपका 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है। अगर आपकी दीवार है कम से वो मीडियम सीलन, तो आपका 6 महीने तक चल जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं चलेगा, और बहुत कम सीलन है तो आपका 2 से 3 साल तक चल जाएगा, इससे ज़्यादा आपका जो जो केमिकल बेस्ड समाधान है वो नहीं होगा। इसमें सबसे पॉपुलर कंपनी डॉक्टर फिक्सिट की होती है, चाहे आप कितने ही महंगे से महंगा, ये बहुत कॉस्टली भी होता है, लेकिन चाहे आप इसको कितने महंगा केमिकल लगवा लें, उसकी लाइफ इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर सीलन ज़्यादा है तो बिल्कुल भी मत लगवाएं, मीडियम सीलन है तो भी मत लगवाएं, अगर बहुत कम सीलन तब आप उस पर लगवा सकते हैं, क्योंकि वो आपका 2 से 3 साल चल जाता है, अगर आपकी सीलन बहुत ही नाममात्र की है तो। तो पहला ऑप्शन तो हो गया दोस्तों ये, उसका खर्चा आ जाता है लगभग 150 से 200 रुपये स्क्वेयर फीट के बीच में इसका खर्चा आ जाता है केमिकल बेस का। अगर उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ सेरेमिक टाइल्स की, टाइल्स दोस्तों आप लगवा सकते हैं इस पर, टाइल्स का एक ट्रेडिशनल ऑप्शन होता है दोस्तों जो है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीलन है तो आपकी इसकी जो लाइफ होती है टाइल्स की 5 से 6 साल होती है, मीडियम सीलन है तो 10 साल तक चल जाती है, और अगर बिल्कुल कम सीलन है तो आपकी 15 से 20 साल चल जाती है। और इसके खर्चे की बात करूँ दोस्तों, इसका खर्चा आप चाहे किसी भी टाइप का आपका सीलन हो तो इसमें खर्चा आपका 50 से 100 रुपये स्क्वेयर फीट विद इंस्टॉलेशन कंप्लीट चार्ज, अगर आप मिनिमम कम से कम बजट में करवाना चाहते हैं तो आपका 50 रुपये स्क्वेयर फीट में आपकी टाइल्स लग जाती हैं विद लेबर मटेरियल, और अगर आप इसमें अच्छी क्वालिटी की अच्छी डिजाइनों के साथ जाना चाहते हैं, अच्छी कंपनी की लगवाना चाहते हैं, तो 100 रुपये स्क्वेयर फीट तक आपका इसका खर्चा चला जाता है। यानी कि 10 बाई 10 की अगर आपकी दीवार है तो आप उसके मान के चलिए, अगर आप उस पर कम से कम खर्चे लगाते हैं तो 5 हज़ार रुपये से लेकर 10 हज़ार रुपये तक की आपकी एक दीवार कंप्लीट हो जाती है 10 बाई 10 स्क्वायर फीट, 10 बाई 10 फीट की।
तो दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा सबसे कम खर्च का और सबसे ज़्यादा चलने वाला, लेकिन इस जो है दोस्तों ये है फ्लैक्स वॉलपेपर का। इसको हम जो प्रीमियम घर होते हैं या कोठियाँ होती हैं उसमें हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी लुक थोड़ी प्लास्टिक बेस आती है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे कम बजट में अगर आप टेम्परेरी सोल्यूशन चाहते हैं तब भी जो फ्लैक्स वॉलपेपर है आपका बहुत अच्छा है। अगर आपकी कोई रेंट की दुकान है या आप कुछ टाइम के लिए आपको चाहिए समाधान, तो आप फ्लैक्स वॉलपेपर में जा सकते हैं, क्योंकि सबसे सस्ते में यही हो सकता है और सबसे ज़्यादा लाइफ भी इसी की होती है। अगर मैं दोस्तों इसके खर्चे की बात करूँ तो आप किसी भी कैटेगरी टाइप का हो 15 से 20 रुपये स्क्वेयर फीट में आपका जो फ्लैक्स वॉलपेपर है विद लेबर मटेरियल इंस्टॉल हो जाता है बिना कोई दिक्कत के, 10 से 15 साल ही आराम से चल जाता है जो फ्लैक्स वॉलपेपर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ पीवीसी पैनल की। जो पीवीसी पैनल्स होते हैं दोस्तों वो 10 फीट की लेंथ में और 10 इंच की चौड़ाई में आते हैं, और ये आपके इंटरलॉकिंग होकर स्क्रू के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस क्योंकि ये स्क्रू के साथ इंस्टॉल होते हैं तो इसका सीलिंग पे कोई प्रभाव नहीं होता है, और ये आपके आराम से 15 से 20 साल चल जाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि अगर आप इस पर कोई निकली चीज़ मार देते हैं तो ये टूट जाती है वहाँ से, जो रिपेयरिंग बहुत कम होती है या बहुत कॉस्टली होती है। तो उसका जो अगर मैं इसके खर्चे की बात करूं दोस्तों तो इसका खर्चा 45 से 55 रुपये स्क्वायर फीट आ जाता है। लेकिन वही बात अगर आपकी दीवार एक 10 बाई 10 फीट की है तो उसका खर्चा आपका 4500 से लेकर 5500 रुपये के बीच में आपका उसका पूरा दीवार आपकी कंप्लीट हो जाएगी लेबर विद मटेरियल के साथ। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है WPC लूअर्स का। WPC लूअर्स अगर आप लगवाते हैं तो वो आपकी चाहे आप किसी भी कैटेगरी की सीलन हो तो उसमें आपका 150 से 200 रुपये के स्क्वायर फीट के बीच में आपका खर्चा आ जाता है। उसके बाद फिर सेम कैटेगरी में बात कर लेता हूँ ग्रास की। ग्रास अगर आप लगवाते हैं तो 40 से 80 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में आप ग्रास का ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन मैं क्योंकि इसमें सभी के सभी पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ तो उसमें ग्रास भी एक ऑप्शन होता है। तो उसके बाद दोस्तों हमारे जो ऑप्शन है उसमें दोस्तों एक पॉइंट है कि एक हम जो बहुत ज़्यादा वाली सीलन है तो उस पर हम सीधी कोई चीज़ नहीं इंस्टॉल कर सकते पेस्टिंग वाली। तो उसके लिए हमको क्या करते हैं कि एक बेस तैयार करते हैं पीवीसी बॉडी के साथ जो 8x4 में आता है, जिसको पीवीसी बॉडी भी बोलते हैं। तो इसका जो दोस्तों बेस तैयार करने का खर्चा आपका लगभग 50 रुपये स्क्वायर फीट आ जाता है ओनली बेस तैयार करने का। मान के चलिए आप बेस तैयार करने का आपके पास अगर ऑप्शन आ जाता तो तैयार करवा लेते हैं हम पीवीसी बोर्ड से, तो उसका खर्चा उसके बाद हम उस पर क्या कुछ भी लगवा सकते हैं। आप चाहे उस पर पेंट भी करवा सकते हैं, आप उस पर फोमिंग पैनल भी लगवा सकते हैं, वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं, यूवी मार्बल सीट भी लगवा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीलन है तो। तो हम फोमिंग सीट की बात करें दोस्तों, फोमिंग सीट का खर्चा आपका 60 से 70 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में आ जाता है अगर आपकी सीलन बहुत ज़्यादा है तो। और अगर हम वॉलपेपर की बात करें दोस्तों आपका 70 से 150, मतलब कि 50 रुपये स्क्वायर फीट आपका बेस का हो गया और 20 से 80 रुपये के बीच में आपका खर्चा आ जाता है वॉलपेपर का। आप किस क्वालिटी का किस डिज़ाइन में लगवा, 20 रुपये से अच्छे वाला स्टार्ट हो जाता है। तो 70 से 150 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में मान के चले आप वाल। अभी बहुत ज़्यादा सीलन की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद है यूवी मार्बल सीट का, तो आपका 50 रुपये आपका बेस का खर्चा हो जाता है, 100 रुपये आपका यूवी मार्बल सीट का, मतलब 150 से आपका स्टार्ट हो जाता है यूवी मार्बल सीट बहुत ज़्यादा सीलन वाली दीवार पे। और अगर आपकी डिजाइनिंग के साथ करवाते हैं तो आपका 200 रुपये स्क्वायर फीट उसका मान के चलिए। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं दोस्तों बेस के साथ। पेंट वाला ऑप्शन आपके साथ पास है ही है, आप उस पर पेंट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपकी मीडियम जो सीलन है उस पर हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा पीवीसी का बेस होता है वो सिर्फ वहीं तक हम इसको लगाते हैं जहाँ तक आपकी सीलन होती है तो उसका खर्चा आपका कम हो जाता है। तो दोस्तों उसका खर्चा कम हो जाता है आधा, तो उसका खर्चा आप मान के चलिए 30 रुपये स्क्वायर फीट आपका मान के चलिए कि उसका खर्चा आएगा आपका बेस तैयार करने का, और प्लस आपका जो सेम खर्चा रहने वाला है फोमिंग सीट का आपका 60 से 70 रुपये के बीच में खर्चा आने वाला है मीडियम वाली दीवार पे, मीडियम वाली सीलन में, और 40 से 100 रुपये के बीच में आपका वॉलपेपर का खर्चा आने वाला है, और 120 से 150 के बीच में आपका यूवी मार्बल सीट का खर्चा आने वाला है। अगर दोस्तों आपकी सीलन बहुत कम है, माइनर सीलन है, तो अगर मैं वॉलपेपर की बात करूँ दोस्तों तो पीवीसी सिंपल पुट्टी करने के बाद आप उसका खर्चा 20 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 70 रुपये स्क्वायर फीट तक खर्चा आ जाता है। आप किस क्वालिटी का किस डिज़ाइन का लगवाते हैं उस पर डिपेंड करता है।
यूबी मार्बल सीट का खर्चा आपका बहुत कम सीलन वाली दीवार पे 100 रुपये से लेके 120 रुपये के बीच में आता है। ग्रास का तो मैंने आपको बता दिया सेम ही आता है, तो लगभग हमारे सभी ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद अगर मैंने कोई पॉइंट रह गया तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो और इनकी अगर आप डिटेल वीडियो जानना चाहते हो, फ्लैक्स वॉलपेपर की, पीवीसी पैनल, फोम सीट, वॉलपेपर, यूवी मार्बल सीट, इन सभी की मैंने इंस्टॉलेशन डिटेल्स और उसकी कॉस्ट वाइज डिटेल मैंने इस वीडियो की पहले ही डाली हुई है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं अगर आपके बारे किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक जय हिंद जय भारत।